नीमच दशहरा मैदान पर नगरपालिका द्वारा जमीन की खुदाई कर बड़ा टीन शेड लगाने को लेकर मामला गर्मा गया है। दरअसल दशहरा मैदान पर सालों से दशहरा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, साथ ही इस मैदान में कई तरह के खेल प्रतियोगिताएं होती है। ऐसे में नगरपालिका के कांग्रेस पार्षदों ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि नगरपालिका परिषद की बैठक में काम रुकवाए जाने को लेकर सीएमओ व अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 3 दिन के अंदर काम नहीं रोक पाया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, साथ ही नगरपालिका व कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। वहीं मामले में नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने कहा कि यदि सब इस बात को उठा रहे हैं तो यह काम रुकवा दिया जाएगा। दशहरा मैदान जैसे चीज पे नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा 2 करोड़ रूपए बर्बाद करते हुए एक शेड बनाया जा रहा था, जिसका हमने विरोध करा कि नगरपालिका जो है दशहरा हमारे पास चलता है दशहरा मैदान में, और उसके अलावा भी वहाँ पर कई तरह के खेलकूद और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने कैसे उसको दे दिया। हमने इस बात का विरोध करा नगरपालिका अध्यक्ष से कि भाई वहाँ पे आप दशहरा मैदान को छोटा नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा करा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले दिनों में हम कलेक्टर का घेराव भी करेंगे। दशहरा मैदान के अंदर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी आयोजनों को लेके चद्दर का शेड लगा रहे थे ताकि वहाँ पर जब भी कोई आयोजन हो सामाजिक तो उसके ऊपर बड़ी राशि खर्चनी हो और परमानेंट एक टिन शेड लग जाए तो वहाँ पर आयोजन हो सके। लेकिन अगर सभी बंधुओं का सभी का यह कहना है कि दशहरा मैदान छोटा होगा तो हम उसको स्थान परिवर्तन करके अन्य जगह पर लगाएंगे जहाँ पर इस तरह के आयोजन हो सके। पूरे प्रदेश भर के अंदर अधिकांश बड़े शहरों में इस तरह के टीन शेड लगे हुए हैं जहाँ पर इस तरह के आयोजन होते हैं ताकि समाज का खर्चा कम हो और आयोजन अच्छे से हो सके।